हेलो दोस्तों, आज हम 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले बकरम कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग कर लेने के बाद में देखिए, हम बीच में भी यहाँ काट चुके हैं और साइड में भी यहाँ कट कर चुके हैं हम। अब इस पे हम कुछ फ्लावर से काम करेंगे। जैसे कि देखिए, हमारे पास ये फ्लावर है, हम इसे खोल लेंगे। इस तरीके से हम इसे खोल चुके हैं। देखिए, ये जब खुल जाएगा तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके अलग अलग हम रख लेंगे। देखिए, इस तरह से हम कट कर लेंगे। यानी एक फूल से 4 पत्ती इस पे निकल गया है ना, एक से चार, एक से चार। तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसे हम 4 कलर में लिए हुए हैं। ये एक कलर था, ये दूसरा कलर, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा है, उससे कुछ कम है। जैसे जैसे आप सजाएंगी, जो आप साइड में देंगी किनारे पे, उसका मात्रा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद जो देंगी उसका मात्रा कम रहेगा। इस तरह से हम चारों कलर में जो फ्लावर है सब वो कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इस पे हम देखिए, इस तरह से ग्लूगन की सहायता से हम यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएंगे। हम यहाँ बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। हमें यहाँ पे कोई मोती वगैरह से हम इसे नहीं सजा रहे हैं। फिर इसे हम हल्का सा यहाँ पे डालेंगे और इसे फिर हम पेस्ट कर लिए। इस तरह से पूरी गुलाई में हम इसे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब इसे हम यहाँ पे लास्ट एक देंगे। ये लास्ट हो गया। अब यहाँ से फिर हम दूसरा कलर जोड़ेंगे, दूसरा कलर डालना शुरू करेंगे। एक तो हम बिल्कुल सटा कर देंगे यहाँ पे, इसलिए सटा कर देंगे ताकि इधर खाली ना लगे। अब फिर जो हम दूसरा देंगे, ये दोनों के बीचों बीच में देंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बीच में डालेंगे और देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पहला लाइन कंप्लीट होने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये एक दो तीन, तीसरा कलर हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तीसरा कलर भी हम उसी तरह से लगाएंगे जैसे कि हम बता चुके हैं। देखिए, इस तरह से तीसरा कलर भी लगाएंगे और एक चौथा कलर भी हम लगा लेंगे। जो कलर आपके पास है, मेरे पास 4 कलर है, हम 4 कलर से बना रहे हैं इसे। ये बनाने में बिल्कुल आसान है और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। आप देख रही हैं, ये बहुत जल्दी बन भी जाता है।
इस तरह से हम ये कलर को भी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर एक और कलर लगाएंगे हम, देखिए ये इस कलर को लगाएंगे, इसे भी हम इस तरीके से लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट फिर जब हमें लगाना रहेगा तो हम बतलाएंगे, पहले एक और एक दो, ये दो कलर हम लगा कर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये हमें लगता है लास्ट हो जाएगा यहाँ पे कलर, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ जगह बचता तो हम एक और कलर यहाँ पे डाल देते, इस कलर को यहाँ पे हम डाल देते, लेकिन ये कलर अब लास्ट हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट तक आ चुका है। इस तरह से बिल्कुल हम करीब करीब में इसे डाल देंगे। ये लास्ट लाइन जा रहा है, पंखुड़ियों को भी कुछ देख ले, ऐसा नहीं कि यानी कि ये जैसे कट है इसका, तो इसे आप या तो गोलाई शेप में डाल लें या तो फिर इसे नहीं डालें आप। इस तरह से इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक और हम यहाँ पे डाल देंगे जो देखने में कुछ ठीक लगे, एक और यहाँ पे इस तरह से कि बिल्कुल इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बिना मेहनत का ये है, और आप इसे कुछ मिनट में ही तैयार कर सकती हैं, बस सामान होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगेगा। अब चलिए अब हम इसका चोली बनाएंगे। चोली हम बिल्कुल ही साधारण रिबन से बनाएंगे, देखिए इस तरह का जो रिबन है इससे हम चोली बनाएंगे। इसलिए हम चोली इस रिबन से बना रहे हैं ताकि ये कलर यहाँ पे मिक्स कर जाए। यहाँ पे हम चोली के लिए रिबन काट लेंगे। देखिए रिबन हम लेंगे यहाँ 5 इंच का, और 5 इंच लंबा, और चौड़ाई में ये 1 इंच के लगभग है। तो सबसे पहले यहाँ 5 इंच हम कट कर लेंगे इस तरह से, फिर एक और हम 5 इंच का कट करेंगे। इस तरह से हो गया। अब ये दोनों को हम सी लेंगे, उल्टा सीधा देख लेंगे किस तरफ उल्टा है किस तरफ सीधा है। देखिए अब यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से, मशीन से आप सिल सकती हैं, हम यहाँ सुई धागा की मदद से बतला रहे हैं। इस तरह से हम बिल्कुल हम अलग कलर से, यहाँ अलग कलर का धागा डाले हुए हैं, आप सेम कलर का डालें, धागा हम दिखे आप लोगों को इसलिए हम अलग कलर का डाले हुए हैं। इस तरह से सिल लेंगे यहाँ पे, ठीक इसे वापस भी ले जाएंगे ताकि सिलाई हमारा मजबूत हो जाए। इसे आप लाइटर की मदद से यहाँ पे आप इसे बंद कर सकती हैं ताकि ये निकले ना, वो लास्ट में हम कर लेंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे। देखिए ये हम सिल चुके हैं, सिलने के बाद इसे पलट लेंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से हम चोली बना रहे हैं। इसे हम वापस सबसे पहले यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक ले आए, अब इसे हम यहाँ पे मिला लेंगे और ये दोनों को कुछ दूर तक सी लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिल चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप मशीन से भी सिल सकती हैं, यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं। अब देखिए अब हम इसी तरह दूसरा छोर भी सी लेंगे, ये एक साइड का हम सिले, अब ये दूसरी तरफ का भी हम इसी तरह जिस तरह यहाँ सिले हैं उसी तरह हम यहाँ भी सिल लेंगे। सिलने के बाद फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हम इतना सिल लेते हैं।
अब देखिए अभी सिल लेने के बाद में इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम 11 इंच लंबा ये पतला रिबन ले रखे हैं, इसे हम ठीक बीचों बीच में इस तरह से ले आएंगे। देखिए इस तरह से ले आएंगे बीचों बीच में और ये बीच का हिस्सा पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे बीच का हिस्सा लगाएंगे, इसे हल्का मोड़ लेंगे। अगर आप लाइटर की मदद से इसे नहीं बंद करती हैं तो इसे हल्का सा मोड़ लें। मोड़ लेने के बाद में फिर हम इस तरह से सिलकर चोली कंप्लीट कर लेंगे। ये डोरी हो जाएगा जो कि आप बांध सकती हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस तरफ भी सिलकर कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।